मृतक के परिजनों को 20,000 की आर्थिक मदद दाह संस्कार के लिए दिया जाए, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा। दरभंगा में मौलागंज निवासी स्वर्गीय अशोक साह के पुत्र उम्र लगभग 24 वर्ष नंदू कुमार ऑटो चालक की लाश रात में मब्बी थाना के निकट स्थित कैंसर हॉस्पिटल के नजदीक से बरामद हुआ। आनन फानन में घायल अवस्था में ही रात को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलाज के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जांच के क्रम में डॉक्टरों ने नंदू कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि मृतक की विधवा मां को सिर्फ यही एक पुत्र था जो इसकी देखरेख करता था, इसलिए जन अधिकार पार्टी और पार्षद के तौर पर ही तत्काल 20,000 की आर्थिक मदद दाह संस्कार के लिए दिया गया। उन्होंने कहा, जब तक इस परिवार को मुआवजा और न्याय नहीं दिला देते तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बिहार सरकार और यहाँ के प्रशासन विफलता है, जो दरभंगा के अंदर में क्राइम बढ़ता, अपराध बढ़ता जा रहा है। पहले पेट्रोल से आग मार देना, अब इतनी हिम्मत हो गई है कि बुला करके ले जाना और हाथ पैर तोड़ करके गोली मार देना, ये निंदनीय है। और इसके अब सुनिए, हम लोगों ने प्रशासन के कहने पर, प्रशासन ने कहा है कि आपको 48 घंटे के अंदर में सारा मुआवजा मिलेगा। हम लोगों ने बात माना, लेकिन अगर 48 घंटे के अंदर उन्होंने मुआवजा नहीं दिया तो 72वें घंटे के पहले पहले 60 टेम्पो ड्राइवर के साथ हम लोग सड़क पर होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर दरभंगा प्रशासन होगी। चिंता है उससे तट का पता चलता है। सबसे बड़ी बात कि उसका कोई नहीं है, इसलिए प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब उसको मुआवजा दिया जाए ताकि उसका भरण पोषण हो सके। किसी ने बुला करके भाड़ा में ले आकर के इसको बुरी तरीके से हमारा हाथ पैर तोड़ दिया, उसके बाद फिर उसको गोली मार दिया। इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अब इसमें शामिल अपराधियों के पकड़ने, रखने और अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। कितने राउंड गोली चलने का नहीं मिला, जांच नहीं हुआ अभी तक। Get ready for the revolution. It's coming to you now. It's coming to you now. सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में शनिवार को पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर प्रखंड शंभू कुमार साह ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सराव भी उपस्थित हुए। बैठक की शुरुआत होते ही पंचायत समिति सदस्य केसरी यादव ने अपना एजेंडा प्रमुख के समक्ष रख रहे थे कि उसी समय कंसी पंचायत समिति सदस्य के पति सुनील साह और सारा मोहम्मद पंचायत समिति सदस्य पति रवि कांत और कबीरचक पंचायत समिति के प्रतिनिधि बलदेव सदन में जबरदस्ती घुसकर हंगामा करने का प्रयास किया। मिथिलांचल में मोटरसाइकिल एवं स्कूटी की दुनिया में धमाल। विगत 10 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विक्की टीवीएस मोटरसाइकिल भट्टियारी सराय दुनार दरभंगा एवं हायाघाट। India's first and only dual platform FI technology from TVS. Eco Thrust FI and ET FI. जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race tuned FI and ERT FI. जो दे बेटर रियल थ्रॉटल स्पीड। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। आप क्या सोच रहे हैं, जल्द आए जल्द पाए अपना पसंदीदा वाहन। विक्की टीवीएस दरभंगा के द्वारा विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। प्रत्येक वाहन के खरीद पर सुनिश्चित उपहार, कुशल इंजीनियरों के द्वारा सर्विस की उत्तम व्यवस्था, पहले से बेहतर 15% ज्यादा माइलेज के साथ, लोन पर भी 1 घंटे में गाड़ी उपलब्ध। आए हाथों हाथ अपने पसंदीदा वाहन को अपने घर ले जाएं। ग्राहकों की सुविधा हेतु हमारा पता है विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। किसान ऑटो केयर दोनार चौक दरभंगा पेट्रोल पंप के सामने हमारे यहाँ हीरो बजाज होंडा टीवीएस गाड़ी का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है और ओरिजिनल पार्ट्स भी मिलता है। विशेषकर स्कूटी गाड़ी के लिए स्पेशल कारीगर उपलब्ध है। हमारे यहाँ
सभी दो पहिया वाहनों का ओरिजिनल पार्ट्स मिलता है। यहाँ सभी गाड़ी का काम सौ कुशल कारीगर द्वारा मरम्मत किया जाता है। खास करके स्कूटी गाड़ी की विशेष कारीगर द्वारा मरम्मत की जाती है। पारिवारिक प्रतिशोध के कारण 6 वर्षीय मासूम बालक राजकिशोर चौपाल का अपहरण कर निर्मम हत्या के जुर्म में सहरसा जिले के जलई थाना के मानगर निवासी संतोष चौपाल को शुक्रवार को जिला और सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 1,00,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। यह बर्बर घटना 24 मार्च 2010 की है। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के करतोबा खेसराहा गाँव के चौर के मकई खेत में बालक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। चांद लाइट, यहां सभी शुभ अवसर पर माथा लाइट, फैंसी लाइट, बग्गी एवं रोड लाइट, वेडिंग लाइट, अम्ब्रेला का कार्य उचित मूल्य पर किया जाता है। अच्छे और बेहतरीन काम के लिए हमसे संपर्क करें। पूरा पता है चांद लाइट, नाका नंबर 5, मुक्ति मोहल्ला, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 7004146987। प्रोपराइटर मोहम्मद। जिले के 34 फर्जी शिक्षकों पर FIR का निर्देश। निगरानी फोल्डर जांच में फर्जी प्रमाण पत्रों के प्रमाणित होने पर DEO विभाग कुमारी ने 34 शिक्षकों पर FIR करने का निर्देश जारी किया है। ये शिक्षक विभिन्न प्रखंडों की प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाइयों के हैं। DEO ने संबंधित प्रखंडों के BEO को निर्देश दिया है कि जांच में फर्जी पाए गए शिक्षकों पर संबंधित नियोजन इकाइयों से आदेश का तामिला कराकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट करें। साथ ही BEO शपथ पत्र दे कि फर्जी शिक्षकों का भुगतान कर दिया है। जूनियर दिल्ली पब्लिक स्कूल मिलान चौक दरभंगा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुन्नी देवी, इंदिरा झा हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश CM दरभंगा, अजय ठाकुर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स CM कॉलेज दरभंगा ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं बच्चों के द्वारा संस्कृत कार्यक्रम किया गया, जहाँ छोटे छोटे बच्चों ने डांस कर आगत अतिथियों का मन मोह लिया। मौके में बच्चों की प्रस्तुतियां हैं अलग अलग गानों में और स्पीच है, एक हमारे सोशल मीडिया पे ड्रामा भी है, तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि हमने सब कुछ इंक्लूड करने का ट्राई किया है। हमारा 4th एनुअल एग्जीबिशन है इस बार। इसे हमने हमारा एडमिशन फी चल रहा है हमारा, 31 मार्च तक हमारा एडमिशन फी है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितने चाहे बच्चे आ सके हमारे पास, उसके बाद फिर अगले कुछ निगरानी करेंगे। ADM ने शिव कुमार झा के पक्ष में दी थी जांच रिपोर्ट। दखल कब्जा की गलत रिपोर्ट दिए जाने के बाद शहर के चर्चित GM रोड पेट्रोल से ट्रिपल मर्डर कांड में अब ADM भी गिरते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार की पीड़ित मृतकों की मां और जख्मी बहन निक्की झा की ओर से DM से मिलकर ADM पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया में ADM के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया लोगों की देखी जा रही है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा भी ADM पर मुकदमा दर्ज करने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इस मामले में DM राजीव रोशन ने कहा कि ADM कोर्ट की ओर से आदेश की जो प्रति उन्हें प्राप्त हुई है उस पर आयुक्त न्यायालय की ओर से स्टे लगा दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में ADM कोर्ट का आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है। अब ADM की रिपोर्ट पर आयुक्त न्यायालय की ओर से जो आदेश अथवा टिप्पणी की जाएगी उस आदेश के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। DM के बयान से स्पष्ट है कि यदि ऊपरी अदालत की ओर से ADM के आदेश को गलत करार दिया जाता है तो ADM पर कार्रवाई तय मानी जाएगी। मालूम हो कि इस भूमि विवाद को लेकर दाखिल खारिज में गलत रूप से शिव कुमार झा के पक्ष में रिपोर्ट देकर कहा गया था कि उस भूमि पर शिव कुमार झा का दखल कब्जा है और इस रिपोर्ट की कॉपी पीड़ित पक्ष ने जिला दंडाधिकारी को दिखाई थी।
है।